नमस्कार दोस्तों। दोस्तों देखा जाए पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा हो रही थी कि तेजाब मूवी का रीमेक बनने जा रहा है और इसके स्टार कास्ट की भी घोषणा हुई थी और ये भी बताया जा रहा था कि ये मूवी बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मेरा जो मानना है वो ये है कि जो तेजाब मूवी जो कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है, देखा जाए ये मूवी 1988 में रिलीज़ हुई थी और ये उस साल की सबसे बड़ी मूवी में से एक मूवी मानी जाती है। और इस मूवी की जो कहानी थी वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त थी। उनकी इसकी कहानी आज भी हमारे माइंड में घूमती है दोस्तों। और उस मूवी में जो माधुरी दीक्षित की एक्टिंग थी और जो अनिल कपूर की एक्टिंग थी वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त थी। और देखा जाए इस मूवी से अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के कैरियर में इस मूवी ने 4 चांद लगा दिए थे। अब इतनी बड़ी मूवी का रीमेक बनाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके राइट्स बिक चुके हैं और इसके राइट्स खरीदे हैं मुराद खैतानी ने। और वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो पहले ये बताया जा रहा था कि इस मूवी में कार्तिक आर्यन होने वाले हैं। हालांकि कार्तिक आर्यन ने साफ मना कर दिया है कि मैं इस मूवी में नहीं हूँ। और देखा जाए दोस्तों इतनी बड़ी मूवी में तो बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, किस एक्टर को इस मूवी में कास्ट करना चाहिए क्योंकि ये मूवी बहुत ही बड़ी है दोस्तों। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस मूवी के लिए कास्ट करे गए हैं रणवीर सिंह, जो कि अनिल कपूर का रोल निभाएंगे, और माधुरी दीक्षित का रोल निभाएंगी जाह्नवी कपूर। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए अब तेजाब के सीक्वल में रणवीर सिंह और जाह्नवी कपूर होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों कलाकार माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की भरपाई कर पाएंगे कि नहीं? क्या तेजाब का रीमेक तेजाब जैसी मूवी के बराबर हिट हो पाएगा कि नहीं? जहां तेजाब इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी गई थी, क्या इसका रीमेक भी इतना बड़ी हिट जाएगी कि नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।